2023 के चुनाव में रायपुर की चारों सीटों से टिकट के लिए महापौर एजाज ढेबर समेत कई MIC सदस्यों ने दावेदारी पेश की है। टिकट की रेस में आवेदन प्रस्तुत करते हुए सभी उम्मीदवार लगाए बैठे हैं कि पार्टी उन पर भरोसा जताएगी। इन चेहरों में कांग्रेस के कई पुराने चेहरे भी शामिल हैं। देखिए, रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने उत्तर और दक्षिण दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से अपनी दावेदारी पेश की है। नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने रायपुर दक्षिण विधानसभा से आवेदन किया। रायपुर उत्तर विधानसभा से MIC सदस्य अजीत कुकरेजा ने दावेदारी की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को विधिवत आवेदन देने का जो निर्देश प्राप्त था उसके तहत सभी लोगों ने अपने अपने आवेदन दिए हैं। बाकी जो PCC और जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शैलजा जी और हमारे प्रभारी जांगिड़ साहब और चंदन यादव जी और जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी निर्धारित करेगी, उसके बाद CEC को जाएगा। देखिए, इस बार राहुल गांधी जी की ये मंशा है कि अधिक से अधिक युवा लोगों को टिकट मिले। मैं यहाँ से टिकट मांग रहा हूँ, ऑलरेडी सिटिंग MLA है, तो अब वो पार्टी का निर्णय है कि वो क्या क्राइटेरिया तय करती है और किस हिसाब से टिकट देती है। पर अगर मौका मिला तो सारे यूथ को जोड़कर काम करने की कोशिश करेंगे। रायपुर पश्चिम यानी संसदीय सचिव विकास उपाध्याय की सीट से श्री कुमार मेनन ने दावेदारी की। इसके अलावा पश्चिम से ज्ञानेश शर्मा ने आवेदन किया। इसी तरह पार्षद नागभूषण राव ने भी पश्चिम से दावेदारी की। इसके अलावा पार्षद आकाश तिवारी ने उत्तर, MIC सदस्य सतनाम पनाग ने दक्षिण से आवेदन किया। पार्टी जो तय करेगी, पार्टी जिसको उचित समझेगी, जनता किसको पसंद करती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जन किसके प्रति अपना सोच रखते हैं, ये बहुत सारे मापदंड हैं जिसके आधार पर पार्टी हाईकमान इस विषय पे निर्णय लेगी। मैंने रायपुर ग्रामीण विधानसभा 48 क्रमांक से ब्लॉक अध्यक्ष माधव साहू जी को अपना आवेदन दिया है और एक छोटे से कार्यकर्ता की जो हैसियत होती है, झंडा लगाना, बैनर लगाना, पोस्टर चिपकाना, उसी हैसियत को मैंने हमेशा निभाया है और हमेशा नेताओं का जिंदाबाद चिल्लाया है। पार्टी की तरफ से चूंकि एक व्यवस्था बनाई गई कि जो पार्टी में चुनाव लड़ना चाहता है उसको पार्टी ने मौका देती है और मौका देने के कारण ही मैंने अपना प्रस्ताव रखा है। पार्टी के जिम्मेदार और पार्टी के वफादार सदस्य होने के नाते पार्टी अगर टिकट देती है तो हम निश्चित रूप से अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेसी पार्षदों ने पूरे दमखम के साथ दावेदारी पेश की। उनका कहना है कि पार्टी में आगे बढ़ने की यही प्रक्रिया है। इनकी बात भी सही है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इनमें से किस पर पार्टी भरोसा जताती है। INS 24/7 के लिए रायपुर से मोनिका दुबे की रिपोर्ट।